नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 7 मोशन पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे स्पीड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्पीड जो शब्द है ये एक कॉमन शब्द है, हम लोग डेली लाइफ में स्पीड बहुत सुनते हैं, ठीक है। जैसे कि कहीं ट्रेन का स्पीड सुन लिया कि ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है, या बाइक की स्पीड हो गया कि 60 के स्पीड से चल रही है, 80 के स्पीड से चल रही है, 100 के स्पीड से चल रही है, उससे भी ज्यादा जा रही है। इसी तरह अगर हम लोग एरोप्लेन की बात करें तो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अगर वहीं हम लोग और हाई स्पीड में अगर बात करें, सैटेलाइट की स्पीड बात करें, तो वो किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चले। तो स्पीड शब्द है ये बहुत ही कॉमन चीज है, हर जगह हम लोग यूज करते हैं इसको, लेकिन आखिर ये स्पीड होता क्या है। तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल एक पार्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर कोई पार्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है कितने समय में, वही उसका स्पीड होता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लिया कि कोई ट्रेन का स्पीड अगर हम लोग कोई बता रहा है कि ये ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ओके, तो 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो ट्रेन चल रही है, ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि हर आवर में, हर एक घंटा जब बीतेगा तो वो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो पहले जब ट्रेन स्टार्ट हुई वहां से अगर एक घंटा का समय लेंगे तो वो 120 किलोमीटर ट्रेवल कर जाएगा, फिर जब नेक्स्ट आवर आएगा, ठीक है, फिर वो 120 किलोमीटर ट्रेवल कर जाएगा, मतलब कि 2 आवर्स में टोटल 420 किलोमीटर वो ट्रेवल कर जाएगा। इसी तरह से सो ऑन वो आगे बढ़ेगा। तो स्पीड का मतलब ही यही हो जाता है कि पार्टिकुलर डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकुलर डिस्टेंस कितने समय में ट्रेवल कर रहा है उसको हम लोग स्पीड कहेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट है, हर यूनिट ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम लोग स्पीड कहते हैं। अब स्पीड हम लोग हर चीज का निकाल सकते हैं, जो भी चीज मोशन में है उसका स्पीड निकलेगा, ठीक है। जैसे कार का स्पीड हम लोग देखते हैं, ट्रेन का स्पीड देखते हैं, रॉकेट का स्पीड देखते हैं, स्पीड ऑफ जो रनिंग करते एथलीट होते हैं, जो रनिंग कर रहे हैं रनिंग ट्रैक पे, उनका भी तो स्पीड होता है। क्रिकेट में बॉलिंग कर रहे हैं तो कितने स्पीड से बॉल फेंका गया, बॉलर ने कितने स्पीड से बॉल को फेंका, ठीक है, तो उसका भी स्पीड होता है। हर एक चीज, हर एक मोशन करने वाली चीज का स्पीड होगा, वो कुछ भी हो सकता है, कम से कम भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो पार्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में प्रति यूनिट टाइम में, हर यूनिट टाइम में, अब यूनिट टाइम में क्या ले सकते हैं, पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर, इस तरह से, पर डे, या कोई बहुत बड़ा चीज है, कोई अगर हम लोग कोई बड़े बहुत ही स्लो ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो पर डे में वो कितना मूव कर रहा है, तो इस तरह से भी ले सकते हैं। तो हर यूनिट ऑफ टाइम में, अब यहाँ पे यूनिट ऑफ टाइम पर सेकंड लेके चल रहा है, हर सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं, किसी भी डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है, वो पार्टिकुलर एक कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको, और पर यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम लोग स्पीड कहेंगे। ये होता है स्पीड का डेफिनेशन, और स्पीड के डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो स्पीड जो है वो इस फॉर्मूला से हमारा निकलता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा पर यूनिट टाइम पे निकल जाएगा। इसको अगर हम लोग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको हम लोग शॉर्ट में हर जगह अगर लिखेंगे तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ठीक है। यहाँ पे v जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, s जो है वो डिस्टेंस को, t टाइम को। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट कर देते, s से क्यों कर दिए, ये कन्वेंशन है। हर जगह आपको जो डिस्टेंस है वो s से मिलेगा मोशन वाले चैप्टर में, और इसको आदत डाल भी लेनी चाहिए क्योंकि हर जगह आपको बुक में s से मिलेगा तो आपको समझने में सुविधा होगा, ठीक है। अगर आप चाहें डी लिखना तो डी लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर प्रॉब्लम कर जाएगा, कहीं पे एस लिखा रहेगा बुक में तो आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा देर के लिए मान के ही चलेंगे कि एस जहां पे है लिखा हुआ वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम तो टी से है, ठीक है। और स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड को एस से भी लिखते हैं तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो वी लिखते हैं, स्पीड वेलोसिटी ये सबको वी लिखते हैं, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हमारा कोई भी स्पीड निकल सकता है, ठीक है। अब ऐसा यूनिट की बात करें जो कॉमन है, सारे वर्ल्ड में चलता है, वो है मीटर पर सेकंड। अब इसको लिखेंगे कैसे, मीटर और स्लैश करके सेकंड लिख देंगे, ठीक है, या मीटर सेकंड टू द पावर माइनस वन, यही है, इसी को इस फॉर्म पे लिखा गया। अगर यहाँ पे आप कर्सर पे ध्यान दीजिए, एस एम बाई एस हो गया ना, अब यूनिट कैसे निकल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल हो गया मीटर, ठीक है, और टाइम टेकन हो रहा है टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, यही इसका यूनिट ऐसे लिखा जा रहा है, ओके।
अगर हम देखो इसको जो नीचे में है उसको ऊपर में लेके जाएंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड टू द पावर माइनस वन कर देंगे, यही चीज है यहाँ पे। तो यूनिट भी इसी से निकल गया, फॉर्मूला से ही, ठीक है, मीटर पर सेकेंड बोले या फिर मीटर सेकेंड टू द पावर माइनस वन, ठीक है, ये बोलने में थोड़ा लंबा चौड़ा लगा इसलिए मीटर पर सेकेंड हम लोग बोल के चलेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ अदर यूनिट भी होते हैं जो कि कॉमनली डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, जैसे सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर, आपके स्केल में सेंटीमीटर स्केल दिया हुआ है, तो कितना सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है, क्वांटिटी स्पीड ही निकल के आएगी, लेकिन अलग अलग यूनिट है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कैसा ऑब्जेक्ट मूव करा उस हिसाब से चेंज कर देते हैं डेली लाइफ में, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, तो स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड है। उसके साथ साथ किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ज्यादातर किलोमीटर पर आवर में भी नापा जाता है, जैसे कोई भी बाइक की स्पीड हो, कार की स्पीड हो, ट्रेन की स्पीड हो, किलोमीटर पर आवर की स्पीड में नापा जाता है, ठीक है। तो ये सुविधाजनक के लिए, लेकिन मेन हमको क्या याद रखना है, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये जो अभी तक हम लोग ने बात किया है स्पीड के बारे में, ठीक है, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट मूव हो रही थी वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हो रही थी, ठीक है, हर पार्टिकुलर डिस्टेंस पर पार्टिकुलर टाइम में, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई बॉडी मूव कर रही है, तो उसको हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे बड़ा आराम से। लेकिन अब एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आता है, तो एवरेज स्पीड में क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई ट्रेन है, ठीक है, अब कोई ट्रेन एक पार्टिकुलर स्टेशन से स्टार्ट हुई, ठीक है, मान लीजिए कि कोई ट्रेन है जो दिल्ली टू वाराणसी उसको जानी है, ठीक है, अब वो दिल्ली से जब चली तो जब स्टार्टिंग किया तो उसका स्पीड तो जीरो था, फिर वो धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड बढ़ी, एक पार्टिकुलर 100 किलोमीटर मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर पर स्पीड ट्रेन चलने लगी, फिर जब उसका जब नेक्स्ट स्टेशन आता है जैसे कि कानपुर स्टेशन आया, तो वहां पे वो स्पीड को स्लो करी क्योंकि वहां पे उसका हॉल्ट है, हॉल्ट पे आपने रुक जाएगी ट्रेन 5 मिनट 10 मिनट के लिए रुक गई, ठीक है, फिर ट्रेन आगे चली, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि ट्रेन का स्पीड शुरुआत में कम था, बीच में उसने 100 का स्पीड मेंटेन किया, फिर वो स्पीड को स्लो किया, फिर बीच में वो कानपुर पाके जीरो हो गया इसका स्पीड, 10 मिनट स्टॉप भी कर लिया उसका, फिर ट्रेन स्टार्ट हुई। मान लीजिए कि उसके आगे कोई डिस्टर्बेंस है, कोई आगे दूसरी कोई गाड़ी जा रही है जिसके कारण वो फुल स्पीड में ट्रेन नहीं चल पा रही, अब वो उसकी स्पीड 80 किलोमीटर में ही चल पा रही है, ठीक है, फिर उसके कारण स्पीड भी थोड़ा सा लो हो गया, फिर कानपुर से आगे आते अब प्रयागराज पहुंची ट्रेन, वहां पर फिर से रुक गई, फिर प्रयागराज के आगे अगर ट्रेन बढ़ती है तो वहां पे पता चला कि ब्रिज है, ब्रिज पे थोड़ा स्लो चलाना है, तो पता चला 60 की स्पीड में ट्रेन चल रही है, उसके बाद फिर वो अपने वाराणसी स्टेशन पहुंच गए। अब होता यह है कि अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड होती तो हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन निकाल लेते हैं तो तुरंत हमारा स्पीड निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे तो वेरिएबल स्पीड हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, कभी स्पीड ज्यादा हो जा रहा है, कभी स्पीड कम हो जा रहा है, तो इस केस में हम लोग एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आता है और एवरेज स्पीड ले लेंगे पूरे ट्रेन का, तो इससे हमारी ट्रेन की एवरेज स्पीड निकल जाएगी कि ऑन एवरेज ट्रेन कितनी चली, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा एवरेज स्पीड लेते हैं, एवरेज स्पीड यूनिफॉर्म मोशन में लेने का कोई मतलब ही नहीं होगा क्योंकि हमेशा तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, यहां पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, एग्जाम्पल्स आप समझ गए। इसमें क्या करेंगे हम लोग, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टोटल इसको टाइम कितना लगा। अब टाइम टोटल कितना लगा कि मान लीजिए कि कहीं पे स्पीड 100 था तो उसमें कुछ कम समय लगा होगा, कहीं पे स्पीड इसकी 60 रह गई तो वहां पे कुछ ज्यादा समय लगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जितना भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसको टोटल समय जितना लगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई ट्रेन जो दिल्ली टू वाराणसी गई अगर वो 100 के स्पीड में जाती, ठीक है, और 800 किलोमीटर मान लीजिए डिस्टेंस है, तो आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 8 घंटे में 100 की स्पीड से जा रही है तो 8 घंटे में 800 किलोमीटर में पहुंच जाएगी आराम से, लेकिन वो ट्रेन 10 घंटे में पहुंच रही है तो 2 घंटे एक्स्ट्रा कैसे लग रहा है, वही एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आ जाता है। जो एवरेज स्पीड है वो 65-70 के अराउंड रह जाएगी तभी उसको टाइम टेकन 10 लग जाएगा। तो वो एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, तो टोटल डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया ट्रेन ने, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन, तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड का अगर डिफिनेशन भी कहीं आ गया तो उसको लिखेंगे, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम टेकन। सब गिन लेना है कि टोटल डिस्टेंस इतना 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 मिला के इतना टोटल डिस्टेंस हुआ, टोटल टाइम कितना हुआ, तो इतना इतना सबको जोड़ के डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। ओके, अब एक इसी पे क्वेश्चन बना लेते हैं, अगर इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर ट्रेवल करता है 4 सेकंड में, ठीक है, स्टार्टिंग किया और 16 मीटर को ट्रेवल किया 4 सेकंड में। ओके,
देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, जो नेक्स्ट, अब पहला 16 मीटर तो 4 सेकंड में ट्रेवल कर लिया, ओके, अब जो नेक्स्ट 16 मीटर है वो 2 सेकंड में ट्रेवल कर लिया, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या था हमारा एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, और टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस पहले निकालते हैं, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 16 मीटर प्लस 60 मीटर, दो बार ट्रेवल किया, एक पहला 16 मीटर 4 सेकंड में, दूसरा 16 मीटर 2 सेकंड में, तो टोटल जो हो गया 32 मीटर, ओके। टोटल टाइम टेकन हमारा कितना हो गया, तो पहला में 4 सेकंड का टाइम लिया था, दूसरा में 2 सेकंड के लिए, टोटल मिला के 6 सेकंड हो गया, ठीक है। तो इसी को हम डिवाइड कर देंगे, तो 32 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया हमारा यहां से आया था, और टोटल टाइम टेकन 6 सेकंड, ठीक है, तो 32 बाई 6 कर देंगे 5.33 मीटर पर सेकंड, या मीटर सेकंड टू द पावर -1, ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो 16 मीटर पहला 4 सेकंड में, 16 मीटर दूसरे 16 मीटर 2 सेकंड में, तो टोटल इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 5.33 मीटर पर सेकंड। ओके, एक और हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, द ओडोमीटर ऑफ द कार रीड 2000 किलोमीटर एट द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, ठीक है। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, ओके। तो डिस्टेंस ट्रेवल टोटल कितना हो गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचा था 2400 पे और स्टार्ट किया था 2000 से, ठीक है, ओडोमीटर ऐसा बताया था, तो माइनस कर देंगे तो 400 किलोमीटर निकल जाएगा, ओके। टाइम कितना लैप्स हुआ, टाइम कितना टेकन हुआ, तो 8 घंटा हुआ टाइम ट्रेवल हुआ, 400 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 8, एवरेज स्पीड निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, तो 400 किलोमीटर बाय 8 आवर, 50 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द कार निकालना है किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकेंड में भी, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से निकल गया, ओके, अब हम लोग को इसको चेंज कर देना है मीटर पर सेकंड में, कैसे चेंज करेंगे, तो 50 किलोमीटर पर आवर था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 50 किलोमीटर पर आवर था, ये तो हमारे पास गिवन डाटा था जो हमने निकाला अभी, ओके। अब जो किलोमीटर है इसके जगह पे अगर हम लिख सकते हैं 1000 मीटर लिख सकते हैं बाई 1 किलोमीटर, ठीक है, दोनों को अगर कट करेंगे, दोनों तो एक ही किलोमीटर, दोनों को कट करेंगे तो यूनिटी आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे मजा आएगा, चेंज हो जाएगा, 1000 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर कर देंगे, ओके। उसके बाद 1 आवर बाई 3600 सेकंड, अब 1 आवर में 36 सेकंड होता है, तो इस दोनों से भी अगर आपस में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूनिट में अब फर्क पड़ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 आवर में 3600 सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है, तो इस तरह से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये आवर जो है ये आवर से कट गया, ठीक है, और ये किलोमीटर जो है ये किलोमीटर से कट गया, अब बचा क्या यूनिट, मीटर और सेकंड, ठीक है, बाकी सब तो कट गया, बाकी 4 यूनिट जो था वो कट गया, मीटर पर सेकंड, तो यही हमारा आंसर है, बाकी को हम कैलकुलेट करेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 3600, तो 13.9 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो गया, अगर कहीं पे आ गया इस तरह से आपको करके दिखाना है, तो अगर मान लीजिए कि कहीं पे आ रहा है कि हाँ शॉर्ट में बनाना है, ठीक है, 1 नंबर का आ गया और आपको फास्टली आंसर बना के देना है, क्योंकि और भी क्वेश्चन बनाने और समय कम है, ठीक है। तो जब भी किलोमीटर पर आवर को, ठीक है, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ओके, डाटा, इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा 5/18, कहां से आया, इसी से आया, 1000 को 3600 से जब ये आपस में डिवाइड करेंगे तो 5/18 आता है, ठीक है। तो याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहीं अगर मीटर पर सेकंड का डाटा दिया हुआ है, अगर उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तुरंत निकल जाएगा, ये शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है, ये 1000 बाय 3600 है, इसी को हम डिवाइड करके एक शॉर्ट फॉर्म ले लिए, तो जल्दी से निकल जाता है, ओके। थैंक यू वेरी मच, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में।